गाइस, दिस साइड इज प्रोफेसर चिराग। आप लोगों के लिए वापस से एक नया वीडियो बनाने आया हूँ। आज का डिस्कशन यार बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव है। मैंने तीन चीज़ें डिस्कस करनी है इस वीडियो के अंदर। क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ जल्दी से देख लेते हैं। मैंने आज आपसे बात करनी है व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, ठीक है। शेयर के साथ मैंने डिस्कस करना है कितने टाइप के शेयर्स होते हैं। जाहिर सी बात है, दो तरीके के शेयर्स होते हैं भाई। एक अपन ने डिस्कस करना है व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स, एंड सेकेंड डिस्कशन है अबाउट प्रेफरेंसेस। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, क्या होता है इक्विटी शेयर्स, क्या होता है प्रेफरेंसेस, जल्दी से शुरू कर देते हैं। यार सबसे पहले मतलब समझना है शेयर का मतलब क्या होता है। तो जब कभी भी आप बोलते हैं शेयर, शेयर का मतलब होता है, बात समझेंगे पहले इसकी डेफिनेशन समझा देते हैं। एक एग्जाम्पल या फिर एक डायग्राम के थ्रू कहता हूं, बस आपने वो एग्जाम्पल समझ लेना है, शेयर की डेफिनेशन आ जाएगी। दोस्तों जो टोटल पैसा आपको मार्केट से लोगों से रेस करना होता है, या फिर मैं कहूं जितने पैसे की हमें जरूरत है जिससे हमारा बिजनेस चल सकता है, इसको आप कहते हैं कैपिटल। अब जाहिर सी बात है जितनी कैपिटल की आपको जरूरत है वो सारा का सारा एक इंसान नहीं दे पाएगा। आप इस कैपिटल को लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारे लोग साथ में आए और थोड़ा थोड़ा पैसा दें। जब इसी कैपिटल को आप लोगों के बीच में बांट देते हैं, इसको आप बुलाते हो शेयर कैपिटल। तो मान लीजिए कि ये है आपकी टोटल शेयर कैपिटल। तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं, इसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में बांटना चाह रहे हैं। बढ़िया यार, बांट दो ना, कौन रोक रहा है। अब आपने क्या किया, इसको स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में बांट दिया। अब इस एक यूनिट को जब मैं किसी को सेल करता हूं, इस सिंगल यूनिट, इसको अपन क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। ये एक सिंगल यूनिट को आप क्या बुलाते हो, शेयर बुलाते हो। सो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ शेयर। एकदम टाइम पास हो जाएगा भाई, देखना। अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। I'll repeat again, a share means a share in the total share capital of the company. खत्म हो गई बात। अब बात समझनी है, एक यूनिट को आप बुलाते हो शेयर। बस इस चीज को हमेशा याद रखना दोस्त, एक शेयर की प्राइस दूसरे शेयर से डिफर नहीं कर पाएगी। सारी यूनिट सेम प्राइजेस की होती है, सब लोग जो खरीदते हैं वो एक एक यूनिट खरीदते हैं। अब आपकी मर्जी, आप कितनी यूनिट खरीदना चाहते हो आपके ऊपर है। तो आई थिंक वी आर क्लियर विद व्हाट डू वी मीन बाय शेयर। तो जब आप लोग शेयर का मतलब समझ गए, अब आते हैं दूसरी चीज पे, जो है या तो शेयर होगा इक्विटी शेयर या फिर शेयर होगा प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। एकदम सिंपल है, बढ़ जाऊं आगे। अब देखिएगा, जब आप कहते हैं इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, देखो इक्विटी शेयर का मतलब होता है नॉर्मल ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। अच्छा, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर का मतलब क्या होता है भाई, इसके पास कोई अलग स्पेसिफिक राइट्स नहीं है। इसके पास जो बंडल ऑफ राइट्स सबके पास होते हैं, इसके पास भी वही है। जैसे कि आप जब मेरे इक्विटी शेयर होल्डर बनते हो तो आपको मैं अपना ओनर ट्रीट करता हूं, आपको मैं जब जब प्रॉफिट होगा तब तब उसमें से क्या दूंगा, डिविडेंड दूंगा। मेरा डिविडेंड का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो जब जब प्रॉफिट होगा, क्यों, आप मेरे ओनर हो यार, ओनर को तो डिविडेंड ही मिलेगा। इंटरेस्ट तो देने से रहा, इंटरेस्ट तो जब आप उधारी लेते हो तब देते हो यार, ये तो मेरा ओनर है, ओनर को प्रॉफिट का पार्ट दो। अच्छा, आप ओनर हो, कोई डिसीजन लेना है तो आपसे ही परमिशन लूंगा एकदम। इसीलिए इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है सेकेंड, जो आप बोलते हो राइट टू वोट। जितने आपके पास शेयर्स हैं उतना ही आपका राइट टू वोट है। मान लीजिए कि आपके पास मेरी कंपनी के 55% शेयर्स हैं। अब आप जब भी कुछ हम आपसे पूछेंगे, जैसे आपने हाँ बोला, सबको मानना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर अब सारे लोग मना भी कर दें तो 45% लोग मना कर रहे हैं, दैट इज 45% पीपल आर रिफ्यूजिंग, बट 55% ऑफ द पीपल आर सेइंग यस टू दिस। तो ऐसे केस के अंदर क्या आप मेजॉरिटी शेयर होल्डर बन जाते हैं, यस बन जाते हैं। अच्छा, तो इक्विटी शेयर होल्डर मतलब नॉर्मल शेयर होल्डर, जिसके पास ऑर्डिनरी राइट्स है, मतलब डिविडेंड मिलेगा, राइट टू वोट है, जो एक बेसिक शेयर होल्डर के पास होते हैं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में फर्क कितना होता है,
देखिए प्रेफरेंस शेयर का मतलब है ऐसे, अच्छा होते दोनों शेयर्स ही हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं आ जाता, फर्क आता है इनके राइट्स में, इनके क्लेम करने के राइट्स में। तो इक्विटी शेयर के पास जो राइट्स थे वो अपन ने देख लिए। जब आप बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की, दीज गाइज हैव प्रेफरेंस, दीज गाइज हैव प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब कि कल अगर मैं मुनाफे में आया, कल मेरे पास प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट में से पहले मैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दूंगा, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई पैसा दूंगा। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपन किस तरीके से पेमेंट करते हैं, याद रहे इनको भी डिविडेंड मिलता है क्या? यस, पर दोस्तों इनका डिविडेंड पहले से ही क्या होता है, फिक्स्ड होता है, मतलब आपको इतना परसेंट डिविडेंड मिलने ही वाला है जितना भी प्रॉफिट हुआ उसका। पहले लिख देते हैं 12%, 10%, 9%, 8%। हाउएवर इक्विटी शेयर होल्डर को हमने कहा तू तो ओनर है ना, तू क्यों पहले से ऐसी बातें कर रहा है कि तेरे को इतने पैसे चाहिए? नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स तो हमारे मतलब अच्छे दोस्त हैं, है तो ये भी शेयर होल्डर्स ही, पर ही हमारे इतने करीब नहीं है, इनको हम लोग इतना नहीं मानते जितना इक्विटी होल्डर्स को मानते, इसीलिए इनको पहले डिविडेंड फिक्स करके दे रहे हैं कि यार प्रॉफिट का इतना हिस्सा आपको दे देंगे, बात खत्म। अच्छा, जब आपको इतनी ज्यादा दिलचस्पी आपके प्रॉफिट्स में है तो फिर आपको हम राइट टू वोट क्यों दें? इसीलिए हमेशा याद रखना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट टू वोट नहीं होता है, राइट टू वोट नहीं होता है, याद रहेगा। अच्छा, अब यहां पे एक चीज हमेशा याद रखना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर से दो केसेस में आगे होता है, एक होता है डिविडेंड और दूसरा होता है रीपेमेंट। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, समझना आप इस बात को। एक प्रेफरेंस शेयर को हमेशा प्रेफरेंस मिलती है ओवर एंड अबाउ इक्विटी शेयर, जब डिविडेंड देने की बात आती है तो पहले प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट किया जाता है, अगर प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के बाद पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा वापस मिलेगा, अगर पैसा नहीं बचा तो पैसा वापस नहीं दिया जाएगा किसी को भी। एंड सेकंड, अगर कल कंपनी बंद होने जा रही है तो सबसे पहले उनके शेयर्स का पैसा जिनको वापस मिलता है वो कौन होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं। तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस मिलता है, उसके बाद अगर पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो क्या मैं कह सकता हूं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर शेयर होल्डर्स हु गेट प्रेफरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिविडेंड एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर एंड अबाउ द इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा हमेशा याद रखना सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के ऊपर इनको प्रेफरेंस है और किसी ऊपर नहीं। पहले सब लोगों की उधारी उतार लो, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स को देना, और प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद कुछ बच जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना। तो मान लीजिए कि कंपनी के पास अगर 1,00,000 रुपया है डिविडेंड देने के लिए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्लेम बना 90,000 का, तो पहले इस 1,00,000 में से 90,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे और रिमेनिंग 10,000 रुपये आप किसको दोगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स को दोगे। और मान लो कि 1,00,000 रुपये ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का क्लेम बना होता तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ देते ही नहीं। सेकेंड, जब कंपनी वाइंड अप हो रही थी तो हमारे पास 10,00,000 रुपये आए और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितने वापस करने थे उनके शेयर्स के हिसाब से? अपने को उनको 10,00,000 वापस करने थे। तो ऐसे केस में कुछ भी नहीं बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा, उनका पैसा डूब गया। इसका मतलब अगर आप समझे तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैज प्रेफरेंस ओवर डिविडेंड एंड ओवर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओवर एंड अबाउ इक्विटी शेयर होल्डर्स। विद दिस वी कम टू एन एंड टू आवर टॉपिक अबाउट व्हाट इज शेयर, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विटी शेयर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, प्लीज लाइक करेगा, शेयर करेगा, कॉमेंट करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं आपके लिए ऐसे बहुत सारे नए नए वीडियोज बनाता रहूंगा। आज का लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।